जय हिंद दोस्तों, मैं एक सोल्जर फिरदौस मंडल, आप लोग हाजिर हो प्री डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों अभी से हर दिन एक करके आपको पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा जो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए आप लोगों को अति आवश्यक है। तो दोस्तों क्वेश्चन हम देखेंगे और उसका सेम एज क्वेश्चन जो किरण साहब का इस किताब में है एसएससी शॉर्ट पेपर, तो हम जो एलडीसी का पेपर है और इसमें टोटल दिया हुआ है 26 सेट, तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों हम हिंदी से भी करेंगे और इंग्लिश से भी, और साथ साथ बंगाली में किया जाएगा। दोस्तों जिसको जो लैंग्वेज अच्छा आता है वो समझ पाओगे। थैंक यू जी। अभी जो क्वेश्चन फर्स्ट करना है वो क्वेश्चन ये आया था एसएससी कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ, जो डेट था 4/10/2015 में आया था, मतलब पिछले जो साल 2015 में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था वही एग्ज़ाम में आया था। तो दोस्तों सबको एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा ये चैनल बहुत ही छोटा है दोस्तों, जो नया बंदा है प्लीज़ हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल वाला घंटी है वो घंटी को बजा दीजिए। तो आप लोग अभी देख लो वो वाला क्वेश्चन जिससे अभी सॉल्व करना है। तो दोस्तों पहले सुनो मेरा सहयोगी का वॉइस से। दिया गया विकल्प शब्द से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। और थोड़ा नजदीक में आप लोग देख लो, दोस्तों साफ नहीं आ रहा है, तो और एक बार पढ़ लो। दिया गया विकल्प शब्द से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द अक्सर से प्रयोग से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों ऐसा हर एग्जाम में एक और दो आता है, पक्का आता है उसका। एक आप ये देख लो, ये इंग्लिश किताब है, इसमें सेम चीज है, आपको कोई भी एक देख के आपको बताएंगे। दोस्तों पहले ही बताया ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, और मैं एक एसएससी 10+2 लेवल जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हुआ था, और इसका डेट था 4/12/2011 में, और ये किरण जी का जो 10 नंबर सेट है इसमें दिया हुआ है। इधर इंग्लिश जो है समझने के लिए ओनली, हम तो करेंगे जो 2015 में आया था वही, पर आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। देखो, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों इधर देखो, कैन नॉट मतलब ये जो शब्द दिया हुआ है इससे गठन नहीं किया जाएगा। बांग्ला बंधुरा जरा बांग्लाते जानते चाहो तादर जन्य एक्टी एखाने तुम्हारे लेखा थाकबे नीचे देवा हुआ शब्दगुलिर मध्य दिए चारटे अपशने शब्द आछे जेटी दिए बनानो जाबे ना, एरकम एकटी सीरीज थाकबे और सेटा दिए बनानो जाबे ना, जेटी बनानो जाबे ना आमादेर सेटी करते हबे। ठीक आछे, चारटे अपशनेर मध्ये तीनटी बनानो जाबे और एकटा बनानो जाबे ना, जेटी बनानो जाबे ना सेटी आमादेर खुजते हबे। तो दोस्तों अभी फिर जो वाला क्वेश्चन पहले लिया था वही हम लोग देखेंगे, और इसमें क्या दिया हुआ है इससे हम लोग विचार करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं नोटबुक्स में, इधर दिया हुआ है INTERMEPENDENT, और इसे जो तैयार नहीं किया जाएगा वही हमारा निकलना है। पहली बात है जो एक नंबर में है वो है डी, तो दोस्तों इधर डी दिया हुआ है, ई भी इधर दिया हुआ है, पी इधर दिया हुआ है, ई इधर दिया हुआ है, एन दोस्तों देखो एन इधर दिया हुआ है, और डी दोस्तों ए भी दिया हुआ है, दो डी है, देखो इधर एक डी, इधर एक डी, इधर एक डी, इधर एक डी, मतलब ये तैयार हो रहे। तो हमारा निकलना कौन सा है, जो नहीं तैयार हुआ है। तो अभी एक नंबर जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं हो, ये तो बन रहे मतलब ये हम लोग नहीं ढूंढ रहे। तो अभी देखना है दो नंबर क्वेश्चन, दोस्तों अभी देखना है ये दो नंबर क्वेश्चन, दो नंबर जो ऑप्शन है देखो,
इसमें है आर, दोस्तों आर है, ई ई है, पी पी भी है, ई भी है, एन एन भी है और टी तो है ही, मतलब ए भी बन रहे है और हमारा ए भी नहीं हुआ। अभी देखना है जो आंसर सी वाला ऑप्शन ओ हुआ और नहीं। दोस्तों नंबर सी अभी देखना है, नंबर सी में आप लोग देख लो, आर आर है, ई ई भी है, टी टी भी है, आर, दोस्तों इसमें दिया हुआ है एक आर, ओनली वन आर, और आपका जो सी इसमें दिया हुआ है दो आर, मतलब ए नहीं बन रहे। तो आंसर इधर आपको मिल गया और ये आंसर है नंबर सी, और ए सी आपको नहीं बन रहे, मतलब ए सही है। तो अभी भी हम लोग चार नंबर देख लेंगे जो चार हो रहे और नहीं। दोस्तों अभी देखना है चार नंबर, और चार नंबर मालूम है अभी बनेगा, तब भी एक बार देखना है। डी देखो दोस्तों, डी इधर है, ई ई देखो तीन है, एक दो तीन, सॉरी तीन, तो इधर भी एक दो तीन, इधर भी ई है, पी तो ऑलरेडी है, एन भी है, मतलब ए भी बन रहे हैं, पर हमारा निकलना कौन था जो नहीं बन रहे। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया, जिस जिसको ये समझ आ गया दोस्तों, तो मैं एक सेम एज दूसरा दे रहे, आपका होमवर्क समझ लो, जो बंदा को ये समझ आया है वो जल्दी जल्दी करके बताओ कौन सा आंसर होगा, ए बी और सी और डी। ये भी दे रहा हूँ, कोई भी एक एग्ज़ाम में जो आया था ए किरण साहब का किताब से, ठीक है। दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी वो वाला करके और कमेंट में डाल दो। तो दोस्तों आपका जो होमवर्क है वो अभी जल्दी जल्दी आप करके मेरा कमेंट में डाल दो, तब तो मेरा पता चलेगा कौन कौन दोस्तों को समझ आया। तो दोस्तों अभी जो मेन दिया हुआ है लेटर ओ वाला ए है, ए बॉक्स के अंदर है दोस्तों, आप लोग लिख लो, ठीक है। और ये क्या है, सी ओ एल एल ए बी ओ आर ए टी आई ओ एन दोस्तों, और ये ऑप्शन दिया हुआ है ए में ए सी टी आई ओ एन, बी में ब्रेबो में बी आई डबल एल, सी में बी ओ आर एन, और डी में सी आर आई टी ई आर आई ओ एन। दोस्तों जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करके और कमेंट में डालना है कौन सा सही है, ए बी सी और डी, देखते हैं दोस्तों। और मुझे मालूम है मेरा जो वीक स्टूडेंट है उसका हाथ उंगली मैं नहीं छोड़ता दोस्तों, आपको पक्का मालूम हो जाएगा, और जिसको एक बार में पता नहीं चलेगा वो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और आपका ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए, और शेयर करने के लिए आपको दोस्त लोगों के पास भी आप ये समझोगे हेल्पफुल है भेज सकते हो। तो सब बढ़िया रहो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।